हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लखनवी एम्ब्रॉयडरी बनाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उसका बेनिफिट ले सकेंगे। देखिए, मैंने इसके लिए पैटर्न ये लिया है, ये इसका पैटर्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, थ्रेड ये है और ये एंकर वाले, इसको हाफ कर लिया है थ्रेड को, थ्री ट्रेंड्स निकाल दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाते कैसे हैं देखिए, ऊपर से थ्रेड निकाला इस तरह, एक इस साइड एक इस साइड, दोनों साइड एक साथ बनाते हैं। इसके लिए हम फैब्रिक जो है हल्का लेंगे, जिससे हमारे ये एम्ब्रॉयडरी नीचे का ये बना हुआ शो हो जाए, उसको दिखाई दे उसमें, इस तरह जैसे मेरा दिखाई दे रहा है इस तरह। तो ये बनाते हैं पीछे, ये जाल आना चाहिए पीछे का नेट, ये ज़रूर शो होना चाहिए इसमें। इसके लिए आप शिफॉन ले सकते हैं और जॉर्जेट, पॉली लाइट फैब्रिक, कॉटन में आप मलमल ले लें, लाइट कैम्ब्रिक ले लें, लोन वगैरह, इस पर आप बना सकते हैं। ये मैंने शिफॉन लिए, शिफॉन पर बना रही हूँ मैं इसको। इस तरह दोनों साइड से बनाते हैं। बहुत से लोग तो इसे उल्टी तरफ से बनाते हैं, पर मैं नहीं बनाती, मुझे सीधी साइड से कंफर्टेबल लगता है, फिनिशिंग इसी से आती है। देखिए बन गया। अब ये हमारे डबल लाइन वाला जो बनाते हैं उसमें तो इस तरह जो होता है एक साथ बनाते हैं, पर ये हमारे सिंगल है, इसको हम बैक स्टिच से बनाएंगे। देखिए इस तरह, शेडो वर्क भी बोलते हैं इसको, ये लखनवी में यूज होता है, लखनवी मेन होती है इसमें।
इसी तरह बनाना है इसको बैक स्टिच की हेल्प से। अगर सिंगल लाइन हो तब, डबल लाइन होंगी तो हम इससे बनाएंगे। देखिए इसकी रॉन्ग साइड है, बैक साइड, ये लखनवी एम्ब्रॉयडरी में यहाँ से इस तरह का दिखाई देता है, इससे बनती है लखनवी स्टिच, लखनवी एम्ब्रॉयडरी। और राइट की है ये फ्लावर भी इसी से बनेगा, ये सब इसी से बनेंगे। ये देखिए अब मैं आपको ये बनाकर दिखा देती हूँ, ये और ये। तो अब ये बना लेते हैं। इसको कैसे बनाएंगे इसको देखिए। देखिए इसके लिए थ्रेड 6 स्ट्रैंड लेकर मैंने उसको डबल कर लिया है, ये 12 ले लिए, डबल करके 12 हो गए। इस तरह टू टाइम लेंगे। देखिए इसी तरह ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।